गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक है वो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमने प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से लिया है। लास्ट में आपने 5 क्वेश्चन तक देखे थे इस टॉपिक के। हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 6 में आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट दे रखे हैं ए और बी प्रोजेक्ट है। इनकी कॉस्ट है ए की 40,000, बी की 50,000, स्क्रैप दे रखी है 4,000 और 6,000, नेट कैश इनफ्लो दे रखे हैं 7 साल के दे रखे हैं। प्रोजेक्ट ए के हैं और प्रोजेक्ट बी के हैं, बी के लास्ट में कुछ नहीं है 7वें साल में। तो इन दोनों में पूछा गया है हमसे कि आपको एक तो पे बैक पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है वो है नंबर एक, पे बैक पीरियड, और सेकंड जो पूछा गया है प्रॉफिटेबिलिटी। यानी लाभदायता, यानी लाभ कितना होगा इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा पहले इस चीज़ का सिलेक्शन करना है। तो लास्ट टॉपिक से आप समझ रहे हो कि जिसमें हमारे पैसे जितने ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। तो उसी का हम सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम पे बैक पीरियड निकालेंगे, उससे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो प्लान है वो कौन, ए और बी में से जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। इसके बाद में हम निकालेंगे दोनों में कितना कितना लाभ हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी एक। तो टेबल के लिए सबसे पहले लिखते हैं ईयर, हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो सबसे पहला है वो ईयर का है, ईयर हमें दे रखे हैं वो है 7, और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट एक्स, एक्स की जगह ए दे रखा है, प्रोजेक्ट ए लिखेंगे, इधर लिखेंगे आगे प्रोजेक्ट बी। अब हमें एक लिखना है नेट कैश इनफ्लोज और दूसरा लिखना है वो है कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज। तो सबसे पहले नेट कैश इनफ्लोज और यहां लिखेंगे कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज। तो इस तरीके से हमने हमारी जो चीज़ें लिखनी थी वो सारे लिख ली है। क्वेश्चंस के लिए जो जरूरी था नेट कैश इनफ्लो इधर और लिख लेते हैं, बी प्रोजेक्ट के लिए भी। इधर है कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज। तो जो आवश्यक चीज़ें थी वो सारी हमने टेबल्स के रूप में लिख ली है। अब हमें सबसे पहले तो नेट कैश इनफ्लोज लेना है। ये सूचना के अभाव में क्या मान रहे हैं, ये आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन है। इस प्रोजेक्ट में जो हमारी जो मेथड है पे बैक पीरियड वाली है, तो इस मेथड में हमें किस प्रकार के नेट कैश इनफ्लो चाहिए वो है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उसी क्रम में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट ए में है स्टार्टिंग से 5,000, 7,500, 10,000, 7,500 और 2,500 यानी 2,500। और बी का लिख लेते हैं 10,000, फर्स्ट ईयर में 10,000, फिर दूसरे तीसरे चौथे में है 15,000। तो दूसरे साल 15, तीसरे साल 15 और चौथे साल भी 15।
हज़ार है। इसके बाद में है 7500 और 5000, ये 7500 और फिर है 5000 और सातवें साल में कुछ भी नहीं है। और हमें एक चीज़ और दे रखी है स्क्रैप, उसको भी हम सातवें साल के बाद में लिखेंगे, क्योंकि सात साल बाद में ये जो प्रोजेक्ट है यानी कोई मशीनें ली है इनका क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। तो स्क्रैप के को हम बेचेंगे तो कुछ जो पैसा मिल रहा है वो भी हम इस प्रोजेक्ट में मान लेते हैं। तो इसमें बच रहा है 4000 और इसमें आ रहा है 6000। अब इस टेबल्स को नीचे से कवर कर देते हैं। तो कम्युलेटिव कैश इनफ्लो से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे जो पैसे कितने टाइम में रिकवर हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए पैसे हैं वो है 40000, मैं यहाँ लिखता हूँ। आई इज इक्वल इन्वेस्टमेंट है आई का मतलब, और इसमें है 50000। ठीक है, अब हमें इनका संचयी रोकड़ अंतर्वाह निकालना है। कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लो तो सबसे पहले 5000 का यहाँ 5000 लिखना है, 5 और 7500 जोड़ते हैं तो 12500 हो जाएंगे, 12500 और 12500 को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 25000, 25 और 12500 को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 37500 और जोड़ेंगे तो 47500, और 7500 और जोड़ देते हैं इसमें तो ये हो जाएंगे 55000, और 2500 और इसमें जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 55 और 57, 504 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 61500। तो प्रोजेक्ट ए का कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालने बाद में हम चलते हैं बी पे। बी का यहाँ है स्टार्टिंग में 10000, 10 और 15 हो जाते हैं 25000, 25 और 15 हो जाते हैं 40000, 40 और 15 हो जाते हैं 55000, 55 और 7500 जोड़ते हैं तो ये होते हैं 62500, 5 और जोड़े तो हो जाता है 67500। इस साल कुछ नहीं है, छठे साल में सातवें साल में तो ये आ जाएगा 67500, और ये 6 और जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 73500। तो हमने दोनों का टोटल कर लिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल हमारी जो पैसा मिल रहा है विद कॉस्ट वो 61500 और इसमें है 73500। तो सबसे पहले निकालते हैं पेबैक पीरियड। ए और बी पेबैक पीरियड के लिए हमें ये देखना है कि हमने जो पैसा लगाया था, यानी ये जो ए मशीन पे 40000 लगाया है, इस पे 50000 लगाया है, वो कितने टाइम में बैक हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ कि पहले साल में 5000 मिल रहे हैं, दूसरे में 12500 आ जाते हैं क्योंकि दूसरे साल 7500 मिलते हैं, तो टोटल 12500, तीसरे साल में 25000 आ जाते हैं, चौथे साल में 37500, और जो हमारे जो 40000 है वो पाँचवें साल में हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो हमें अपना पूरा पूरा हिसाब लेना है। तो चार साल तो कंप्लीट यहाँ लग ही जाते हैं पाँचवें साल में, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 4 प्लस हमारा जो जितना पैसा बचा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। तो हमारा जो पैसा बचा हुआ था, चार साल में 37500 आ जाते हैं तो 40 में से 37500 घटाएंगे तो आएगा 2500 रुपया। तो ये 2500 बचे हुए हैं हमारे। और इस साल अगले साल मिल कितना रहा है, अगले साल में हमें मिल रहा है पाँचवें साल में 10000, वो लिखना है इसके नीचे। तो इस तरीके से यदि इसमें यदि भाग लगाएं तो इसको दो जीरो से काट देते हैं, 1/4 आता है, 4 + 1/4 वर्ष, और 1/4 वर्ष का मतलब होता है 3 माह। 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 माह, तो 4 वर्ष और 3
माह आ जाएगा इस तरीके से। तो इस मशीन पे जो पैसा लगाया गया था वो कब कवर हो जाता है हमारा, वो 4 वर्ष और 3 माह में हो जाता है प्रोजेक्ट ए में। बी प्रोजेक्ट इसका और निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले स्टार्टिंग में मिल रहा है पहले साल 10,000, दूसरे साल में 25,000 हो जाता है, तीसरे साल में 40, चौथे साल में हो जाता है 55। यानी हमने जो पैसा लगाया है उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। इसका मतलब 3 साल तो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, चौथे साल में ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए 3 साल कंप्लीट हुए, 3+ चौथे साल में। अब ये देखेंगे हमारा पैसा कितना बचा हुआ है चौथे साल में आ रहा है जो, तो 3 साल में तो मिल जाते हैं 40, और बचा हुआ पैसा कितना हो गया हमारा, 10,000 और बचा हुआ है, हमने 50,000 लगाए थे, तो वो बचा हुआ पैसा तो लिखेंगे यहाँ ऊपर बट्टे में। क्या लिखेंगे, इस साल अगले साल का जो कैश इनफ्लोज मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 15,000 चौथे साल में जो कैश इनफ्लोज, 3 साल कंप्लीट में इतना मिला, चौथे साल में हमें ये मिल रहा है, तो ये लिखेंगे नीचे और हमारा बचा हुआ पैसा लिखेंगे ऊपर। तो ये यहाँ 15,000 इसके नीचे, तो ये आता है 3+1/3 वर्ष आ जाता है। 1/3 वर्ष का मतलब हो गया, 1/3 वर्ष का मतलब होता है 4 माह, 12 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा। तो या इसको लिखेंगे 3 वर्ष और 4 माह। तो हमारा जो पैसा रिकवर कब हो रहा है, 3 वर्ष 4 माह में, इसमें हो रहा है 4 वर्ष 3 माह में। तो इसका मतलब हमारे लिए प्रोजेक्ट बी है वो क्या है, फ़ायदेमंद है, अच्छा है। तो बी प्रोजेक्ट के अनुसार हमने जो पैसा लगाया वो जल्दी मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लाभदायता क्या है, इसको पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो इसमें लिखेंगे टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ ऑफ मशीन, यानी एक मशीन के जीवन काल में जितना भी कैश इनफ्लोज मिल रहा है टोटल वो, और जितनी कॉस्ट है वो घटा देते हैं, तो पता चल जाएगा अभी प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो लिख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ए मशीन में क्या है, इधर लिखेंगे टोटल नेट कैश इनफ्लोज माइनस कॉस्ट, ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। तो टोटल नेट कैश इनफ्लोज हमारे इसमें मिल रहे थे 61,500 माइनस कॉस्ट है इसकी 40,000, तो कितना पैसा बच गया, ये आ गया 21,500। और बी मशीन के लिए भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, तो नेट कैश इनफ्लो टोटल मिल रहे 73,500 माइनस पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर वाले पे वो है 50,000, बी प्रोजेक्ट में 50,000 रुपये लगे हुए हैं। तो 73,000 में से 50,000 घटाते हैं तो ये आ जाते हैं 23,500। तो इस तरीके से दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी में देखा जाए तो बी प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बेटर है, और यदि पैसा जल्दी रिकवर हो जाता है उसमें भी देखा जाए तो बी जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए बी प्रोजेक्ट का क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट बी टू बी सेलेक्टेड इसके नीचे लिखेंगे, प्रोजेक्ट बी टू बी सेलेक्टेड। प्रोजेक्ट बी टू बी सेलेक्टेड, तो ये इसका आंसर है कि हमें बी का चुनाव करना है, बी है उसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। रीज़न दे देंगे यदि कोई पूछे कि इसमें क्या है, जल्दी पैसा आ जाता है हमारा, इसके अलावा इसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी लाभदायता वो भी ज़्यादा है, यानी पैसा इसमें ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।